नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय से खबरें थी कि कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, और अब जाकर खबरें सामने आई हैं फिलीपींस से कि फिलीपींस ने भी रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस की खरीद को लेकर, और फिलीपींस ये प्लान बना रहा है कि ब्रह्मोस को खरीदे। तो रिसेंट इंडो चाइना फेस ऑफ को देखते हुए डिप्लोमेटिकली भारत को कितना फ़ायदा होने जा रहा है इस डील से, अगर ये डील पक्की हो जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो रिसेंटली दोस्तों, फिलीपींस ने यहाँ पर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खरीद पर इंटरेस्ट दिखाया है। तो दोस्तों, फिलीपींस की लोकेशन से आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा फ़ायदा भारत को यहाँ पे हो सकता है या फिर हो रहा है। फिलीपींस से बढ़ते रिश्ते की वजह से भारत को बहुत डिप्लोमेटिक फ़ायदा होने जा रहा है। तो फिलीपींस स्थित है साउथ चाइना सी में, और हाँ, एज ऑलवेज चीन के रिश्ते फिलीपींस से भी ख़राब हैं, और चीन के रिश्ते जैसे कि अपने लगभग सारे पड़ोसी देशों से ख़राब हैं, उसी तरह से साउथ चाइना सी में फिलीपींस से भी चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिलीपींस और चाइना का ऑयल फील्ड्स पर क्लेम को लेकर डिस्प्यूट है, और चाइना लगातार फिलीपींस पर प्रेशर बिल्डर करता जा रहा है। लेकिन रिसेंटली फिलीपींस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में खरीद को इंटरेस्ट को लेकर। फिलीपींस ने बात कही है कि वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर फिलीपींस ने ब्रह्मोस का सुपरसोनिक लैंड बेस्ड एंटी शिप वर्जन खरीदने की बात करी है। तो इस वर्जन को रशियन मेड P-800 यूनिक्स / याकॉन्ट सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल पे बेस्ड है। ये वर्जन ब्रह्मोस का प्रोपल्शन ओनिक्स पर बेस्ड है, जबकि इसके गाइडेंस सिस्टम को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने डेवलप किया है, और ये शिप बेस्ड ब्रह्मोस 200 केजी का कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। कन्वेंशनल सेमी आर्मर पियरसिंग वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट लो एल्टीट्यूड मिसाइल है, और 500 किलोमीटर की मैक्सिमम फायरिंग रेंज से इसे फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2-स्टेज पावर प्लांट से पावर्ड है, जिसमें कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट फर्स्ट स्टेज प्रोवाइड करता है, और इसे मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड्स तक एसिलरेट करने की क्षमता मिल जाती है। फिर सेकंड स्टेज में लिक्विड फील्ड रैमजेट इसे Mach 2.8 की मैक्सिमम स्पीड तक एक्सिलरेट कर देता है। ब्रह्मोस के ब्लॉक थर्ड में एडवांस गाइडेंस सिस्टम और अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, जिससे कि मल्टीपल पॉइंट्स पर हाई मैन्यूवर्स मिलते हैं, और हाई एल्टीट्यूड में भी ब्रह्मोस स्टीप डाइव कर सकता है। दोस्तों, यही स्टीप डाइव कैपेसिटी या फिर कहे कैपेबिलिटी की वजह से ब्लॉक थर्ड जो है वो पहाड़ों के पीछे छुपे हुए टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम हो जाता है। ये दोस्तों 10 मीटर से नीचे जो एल्टीट्यूड पर टारगेट्स हैं उनको इंड्यूस कर लेता है और उनको इंगेज कर लेता है बिना कोलेटरल डैमेज के प्रिसाइजन स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर फिलीपींस ने इस मिसाइल को ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ये बताता है कि साफ साफ ये इशारा है कि चाइना का प्रेशर जो है उससे फिलीपींस ओवरकम आने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, फिलीपींस का एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन में इंटरेस्ट दिखाने का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि फिलीपींस इसको साउथ चाइना सी में किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद चाइना के खिलाफ यूज़ करने की सोच रहा है। और अगर भारत और फिलीपींस के बीच ये डील हो जाती है तो साउथ चाइना सी में भारत को एक मजबूत स्थिति मिलेगी, और साथ ही साथ जो रीसेंट इंडो चाइना फेस ऑफ चल रहा है उसको लेकर भी भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों इस डील के डेवलपमेंट्स को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।